हेलो दोस्तों, आई होप लास्ट पार्ट को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट? पार्ट वन में वी आर स्टडिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर में या पार्ट वन में आप सभी ने मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सोलेनाइड की अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। कोई डाउट नहीं होगा ये मैं कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, तो सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करते करते ही आपको पढ़ाई करनी है। ओके, कोई भी बर्डन मत लीजिए, अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, अबाउट द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड सोलेनॉइड। तो देखो कैसा है कि आपने जो लास्ट लेक्चर में या पार्ट वन में आपने जो पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अपन ने लास्ट लेक्चर में मैग्नेट के बारे में पढ़ा। ओके, सो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। शॉर्टली अपन थोड़ा डिस्क्राइब कर ले कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट इज़ अ काइंड ऑफ मटेरियल है जो आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, उसको नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रहते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी अगर आप मैग्नेट लेते हो तो उसके अराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये भी आपने देख लिया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में ही अगर आयरन या आयरन लाइक मटेरियल आता है तो उसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट होगा, ये आपने पढ़ लिया है। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी आपने पढ़ लिया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या मैग्नेटिक फील्ड है। देन जैसे आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज होती है एक्सटर्नली, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है। ओके, और वो मर्ज कहाँ पे होती है, साउथ एंड में मर्ज होती है। ओके भाई, ये भी पढ़ लिया है ना। देन वी स्टडीड अबाउट द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने पढ़ा है कि सोलेनॉइड क्या है, कि जस्ट लाइक आपने एक इंसुलेटेड कंडक्टर ले लिया, उसको कॉइल कर लिया है ना। कॉइल करने के बाद सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया और उसमें से आप करंट पास कर रहे हो। सो देर इज़ अ जनरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट सोलेनॉइड इट्सेल्फ एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो बहुत अच्छा है ना। इसमें कोई डाउट है कि आपको डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, है ना। चलो तो फिर अब नेक्स्ट सेशन के लिए अपन मूव होते हैं और अच्छे से आपको समझना है। और मैं फिर से बोलता हूँ कि पेन और आपके नोटबुक साथ में रखिए, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के आपको लिखना है। देखो फिजिक्स में कैसा है बच्चों कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपको ना अंडरस्टैंड करना है, राइट? अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तो आप उसके ऊपर रट्टा मार के कोई भी फर्क गिरने वाला नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, रट्टा मारना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और हर एक क्वेश्चन को आप खुद होके सॉल्व करके देखिए। देखो अपने सामने बहुत शॉर्ट टॉपिक है, चैप्टर पूरा बाकी है अपना। पूरे चैप्टर में से सिर्फ अपन ने मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सोलेनॉइड के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और आपने लास्ट पार्ट को, पार्ट वन को अच्छे से पढ़ लिया होगा ये कंसिडर करते हुए अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो पहला क्वेश्चन आ रहा है। ओके, क्या है क्वेश्चन, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। भाई क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, डायग्रामेटिकल यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, पर अपने को आंसर नहीं देखना है, आंसर को अपने को खुद कंस्ट्रक्ट करना है ना। मेरा हमेशा बोलना रहता है कि आंसर आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हो अगर आप लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो, राइट? सो चलो, व्हाई डज, क्यों भाई कंपास नीडल डिफ्लेक्शन दिखाता है जब वो कंपास नीडल आप कहाँ पे लेके जाते हो, बार मैग्नेट के तरफ लेके जाते हो। अब बार मैग्नेट के बारे में आपको सब चीज़ें दिमाग में जो आपने पढ़ी है वो सारी की सारी चीज़ें आप सामने लाइए, है ना। सामने लाने के बाद आपको सब चीज़ें, मैंने जैसे मैग्नेट के बारे में क्या पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया है मैग्नेट के बारे में, तो मैग्नेट भाई इट्स लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर रहती है, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वजह से रहती है,
और उस रीजन में ही, उस मैग्नेट के रीजन में ही वो फील्ड जो है उसके रीजन में ही वो फोर्स अप्लाई करता है, राइट। तो कंपास में भी क्या है, कंपास जो है इट्स नथिंग बट इन कंपास देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो कंपास में ही नॉर्थ और साउथ पोल है, तो क्या होगा, द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्ट। जब आप कंपास नीडल उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर लेके जाते हो तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो ना, आप आपके अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ना आपको दिख रहा है कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, वहाँ पे एक नॉर्थ एंड है और साउथ एंड है, यानी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है मैग्नेट को, सही है। अब नॉर्थ पोल के पास अगर आप कंपास लाते हो तो कंपास में ऑलरेडी एक स्मॉल बार मैग्नेट है विच हैविंग द नॉर्थ एंड साउथ एंड, नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसको, सही है ना। तो क्या होगा भाई, अगर आप नॉर्थ पोल के पास आप अगर वो कंपास को लेके जाते हो तो वो कंपास में जो स्मॉल बार मैग्नेट जैसा आपको दिख रहा है उसका साउथ एंड टूवर्ड्स नॉर्थ होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अपन ने, कि नॉर्थ अट्रैक्ट्स द साउथ पोल, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट द साउथ पोल, इसलिए कंपास में से साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल के तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज जाओगे उस तरीके से कंपास में डिफ्लेक्शन दिखता जाएगा। जब आप साउथ पोल के तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा कि कंपास में का नॉर्थ जो पोल है वो टूवर्ड्स द साउथ पोल है बार मैग्नेट के, है ना। तो इसलिए आप आंसर कैसा कंस्ट्रक्ट करोगे बच्चों, आंसर कैसा कंस्ट्रक्ट करोगे, सो आंसर इज लाइक दैट कि कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, कंपास नीडल इट्सेल्फ अ स्मॉल बार मैग्नेट है, ओके, विच हैविंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। व्हेन द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, कब, व्हेन द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्ट, व्हेन यू आर पुटिंग इट नियर टू द, व्हेन यू आर पुटिंग इट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन यू आर पुटिंग इट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया है तो आप पॉज करके फिर से आप मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन हो आप पढ़ सकते हो, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब आपके सामने ना कि क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। पार्ट वन में आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो वही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। इजी यानी आपको एक बार मैग्नेट दिया हुआ है ना। अब बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेट ऑलरेडी वी नो दैट मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टीज है आपने अच्छे से पार्ट वन में पढ़ी है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है। तो लिखने से अच्छा है कि आप उसको ना कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। आपके सामने डायग्राम दी है ना, दो दो डायग्राम्स दी है, डायग्राम पे से आप बता सकते हो और आपने पार्ट वन में अच्छे से पढ़ा भी है। कैसे कैसे लिखोगे, आपको दिख रहा है कि मैग्नेट को जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको दिख रही है, कहाँ से इमर्ज हो रही है, नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है एक्सटर्नली और मर्ज हो रही है साउथ पोल में एक्सटर्नली, और इंटरनली क्या हो रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती हुई दिख रही। हो गई आपकी पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहीं इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, बहुत बढ़िया। तो आपका ये सेकेंड प्रॉपर्टी तैयार हो गया, राइट। अब इसको ना कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये जान लीजिए आप। सो देख लीजिए, आपके सामने पॉइंट रखे, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आपके ओन लैंग्वेज में, आप इसको कंस्ट्रक्ट करके आपके नोट्स आप निकाल सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट आपको ऐडअप करना है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, सही है ना। सो यू गॉट अ पॉइंट, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द 3 marks सो यू नीड टू आंसर इट प्रॉपरली, आपको अच्छे से लिखना है. ओके, दिस क्वेश्चन ऑन अ वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सॉरी. ओके, तो आपको अच्छे से इसको कंस्ट्रक्ट करना है. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. अब इसके पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए बोला था कि मैग्नेट्स की, बार मैग्नेट्स की जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी आपको प्रॉपर्टीज़ लिखना है. और उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ क्या लिखी है, प्रॉपर्टीज़ आपने लिखी थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. तो उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का. ओके, सो व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. अरे भाई बोला है ना, क्यों क्वेश्चन करते हो. फिजिक्स में ऐसा नहीं रहता, फिजिक्स में ना लॉजिक लगाना पड़ता है. ओके, अब क्वेश्चन तो कुछ भी अराइज हो सकते, राइट. क्वेश्चन को आंसर करना उसी तरीके से, एक आप में वो हुनर होना चाहिए कि आपको आंसर प्रॉपरली वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. ओके, सो व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. अरे इंटरसेक्ट अगर हो जाए जैसे आपने डायग्राम में दिखाया है. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने जब पार्ट वन में अपन ने जब स्टडी किया तो स्टडी करते टाइम अपन ने क्या पढ़ा कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक, राइट. कॉन्सेंट्रिक है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी अगर पॉइंट अपन लेते हैं तो वो पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको वो डिरेक्शन दिखाएगा. एक पॉइंट है टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं आप और वहाँ से टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो जैसे डायग्राम में दिखाई दिया है ना, वो टेंजेंट दिखाई दे रहा है तो टेंजेंट क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा. पर अब दो मैग्नेटिक लाइंस जैसे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि नॉर्थ पोल से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो डायरेक्टली वो साउथ पोल में मर्ज होते हुए दिख रही है, वो इधर उधर कोई इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है सर. तो अगर इन दोनों को अपन इंटरसेक्ट करते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करते जैसे डायग्राम में दिखा है राइट साइड में, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे अगर आपको बोला गया कि बता भाई यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या है तो बता पाओगे. नहीं सर, कैसे बता पाएंगे, वहाँ पे तो अगर कंपास नीडल लेके जाते हो तो वो डिफ्लेक्शन प्रॉपरली नहीं दिखाएगा. सो बस भाई आंसर बन गया आपका, है ना. तो आंसर कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे करोगे आंसर कंस्ट्रक्ट, हियर इज योर आंसर. नोट डाउन करिए, अच्छे से समझ लीजिए, राइट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको तो ये डायग्राम मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट. तो आपको एक ब्लैंक बुक बनानी है, उस ब्लैंक बुक में आपको पूरे साइंस के डायग्राम एक बुक में आपको निकाल के रखना है, राइट. जैसा अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार में. इसके पहले भी 2-3 जो भी क्वेश्चन अपने डिस्कस किए उसमें अच्छे से वो दिया हुआ है. फिर से आपके सामने वो डायग्राम रख रहा हूँ और आप उस डायग्राम को बिना देखे आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, दिस इज व्हाट द डायग्राम. इस डायग्राम को तो आपने दिमाग में बिठा ही लो यार, क्योंकि क्या है कि ये डायग्राम से आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये डायग्राम में से आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके ना आप लिख सकते हो, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चन की जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ने वाली है, राइट. आई होप आपने कंस्ट्रक्ट की होगी, राइट. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे पार्ट वन में आपने पढ़ा है ना, तो उसी
के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे यार, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करोगे? मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड है भाई? बार मैग्नेट का यूज़ कर लो, हॉर्सशू मैग्नेट का यूज़ कर लो। हॉर्सशू मैग्नेट यानी इट्स उसका शेप हॉर्सशू के तरह रहता है, इसीलिए उसको हॉर्सशू मैग्नेट बोला जाता है। ओके, देन राउंड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक लूप अपन ने पढ़ा, उसको भी यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड, अगर आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, ये कंडक्टर, और ये कंडक्टर में से अगर आप करंट पास करते हो, तो ओहस्टेड सर ने बोला है कि अगर आप करंट पास करते हो कंडक्टर में से, तो उसके अराउंड में क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो। ओके, और जो आप लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि सोलेनॉइड भी एक्ट होता है एज अ बार मैग्नेट, है ना? तो सोलेनॉइड का यूज़ करके भी अपन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते। बन गया अभी आंसर, है ना? बहुत इजी है। अगर आपने पार्ट वन को अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को आप लिख पाओगे, खुद होके लिख पाओगे और अच्छे से लिख पाओगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ना तोड़ा मोड़ा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर अराइज होते हैं, है ना? तो अच्छे से क्वेश्चन को समझो, और अगर नहीं समझ रहा है तो पॉज करिए, फिर से सुनिए, राइट? अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो भाई मैं हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना? तो मैं आपको पर्सनली आपका कॉल अटेंड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? ओके भाई, सोलेनॉइड कैसे क्या मैग्नेट करके बिहेव होता है? पढ़ा है अपन ने पार्ट वन में कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको टर्न किया हुआ है और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया, और उसके दो एंड को आपने क्या कर लिया, आपने इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कर लिया। क्या होगा? वो पूरे कॉइल में से करंट पास होगा, और दैट कॉइल इटसेल्फ एक्ट एज अ बार मैग्नेट। पूरा का पूरा कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। ये हो गया सोलेनॉइड, अपने लास्ट पार्ट वन में आपने अच्छे से पढ़ लिया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? एक्सप्लेन, क्या क्वेश्चन है? सोलेनॉइड दिया है, सोलेनॉइड में करंट पास कर लिया, ठीक है। अब सोलेनॉइड में करंट पास करने के बाद ये सोलेनॉइड मैग्नेट करके एक्ट हो रहा है। अब मैग्नेट करके तो एक्ट हो रहा है, तो बताओ भाई इसमें से नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, बताइए। अरे सिंपल है, है ना? सिंपल है। अगर आप, क्या बोला गया है कि उस सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप डिटरमाइन कीजिए, किसके मदद से? बार मैग्नेट के मदद से। तो बार मैग्नेट जो ऑलरेडी डिटरमाइन है, वो बार मैग्नेट में साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है। अब उसका साउथ पोल अगर अपन सोलेनॉइड के, जैसे ये बार मैग्नेट है, ओके, ये बार मैग्नेट का, जैसे अब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये पोल को, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, सपोज अपन कंसिडर करते हैं, साउथ पोल कंसिडर करते, ओके, दिस इज साउथ पोल। अगर ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के पास अगर मैं साउथ पोल मेरे बार मैग्नेट का लेके गया, तो ये रिपेल होगा। अगर रिपेल हो गया तो अंडरस्टैंड हो गया, फाइंड आउट हो गया, आपको आइडिया आ गई कि सोलेनॉइड का ये एंड कौन सा है। दिस एंड इज अ साउथ एंड, बिकॉज साउथ एंड रिपेल इच अदर। तो भाई आपको जो मैग्नेट दिया हुआ है, बार मैग्नेट दिया हुआ है, उसके मदद से आप आइडेंटिफाइड या फाइंड आउट कर सकते हो सोलेनॉइड में कौन सा नॉर्थ एंड है और कौन सा साउथ एंड है, ओके? चलो फिर, अब इस
पॉइंट को ना अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिए और डायग्राम को ना आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है और मर्ज, नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है और साउथ पोल में मर्ज हो रही है एक्सटर्नली, क्या हुआ एक्सटर्नली, ओके। और आपको एक और चीज़ आप इसमें पॉइंट आउट करिए कि इनसाइड द सोलेनॉइड आपको क्या दिख रहा है बताइए। इनसाइड द सोलेनॉइड आपको लाइंस दिख रही है और वो लाइंस नो टोटली पैरेलल टू ईच अदर है और स्ट्रेट लाइन में निकली हुई है, इक्विडिस्टेंस है, ओके। अब ये ना ये रिलेटेड टू द क्वेश्चन नहीं है, बट मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इट रिलेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आपको इसका रिलेशन आएगा। कैसे दिख रहा है, इक्विडिस्टेंस है, ओके। और बीच में ना मैग्नेटिक फील्ड भी ना कांस्टेंट रहती है, ये पॉइंट आप नोट डाउन करिए, क्योंकि पार्ट वन में भी मैंने डिस्कस किया था, अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द डिरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन आपको आइडेंटिफाइड करनी है और इस क्वेश्चन को ना अच्छे से समझ लो, क्योंकि कैसा है, इस क्वेश्चन को आपने अगर समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके कंसेप्ट हल हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे, ओके। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो कि एक सर्कुलर लूप है, वायर, कॉपर वायर होगा, ओके, सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, ओके। सो लेट द करंट पास थ्रू द लूप। अब वो लूप में से आप क्या कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो, ओके। उस टेबल पे आपने क्या किया कि आपने एक सर्कुलर लूप ला के रख दिया, अब उस लूप में से आप करंट पास कर रहे हो, ओके। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड लूप। लूप के इनसाइड एंड आउटसाइड में आपको डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड की, और वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे बोला गया है उस तरीके से अरेंजमेंट आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रही है, राइट, दैट इज़ अ सर्कुलर लूप लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। अब उसी लूप में से अगर आप करंट पास करते हो क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्लॉकवाइज अगर करंट पास होता है तो अब क्लॉकवाइज यानी आपने दो एंड आप कंसिडर कर लो पहले, वो जो सर्कुलर लूप है आप विच इज़ लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, तो वो जो सर्कुलर लूप है वो सर्कुलर लूप का एक लेफ्ट और एक राइट दो पोर्शन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो सेकेंड डायग्राम की तरफ देखिए, सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा है कि उन्होंने दो पोर्शन में आपको वो दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे राइट हैंड रूल उन्होंने अप्लाई किया है, ओके, उन्होंने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया है। तो देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, जैसे मैंने अब ये एक एंड मैंने सपोज लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आप कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो इस एंड को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इस एंड में से करंट पास हो रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो मैं राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाऊंगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल मैं ऐसे लगाऊंगा, ओके, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ, देखिए राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्व फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, ओके, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनसाइड। उसी तरीके से आपको वो डायग्राम में दिख रहा है कि राइट साइड आप कंसिडर करिए या लेफ्ट साइड कंसिडर करिए,
तो आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन यू फ्लो द करंट क्लॉकवाइज, अगर मैं दो एंड कंसिडर करता हूँ, अगर मैं राइट साइड का एंड कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस तरीके से करंट पास हो रहा है, इस तरीके से करंट पास हो रहा है। राइट साइड के एंड में अगर करता हूँ कंसिडर, तो इस तरीके से करंट पास हो रहा है। तो इसको अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो क्या हो रहा है, इनसाइड द प्लेन। और इसी तरीके से वो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इट गोज इनसाइड द प्लेन, इट गोज इनसाइड द प्लेन, राइट। दिस इज व्हाट योर आंसर। The direction of the magnetic field lines will be as if they are emerging from the table outside the loop and while they will be going to the table inside the loop as shown in the figure. Okay? I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। When the current pass through the circular loop, जो circular loop है वो circular loop में clockwise अगर आप देखते हो, तो clockwise अगर current pass हो रहा है तो magnetic field जो है वो going inside अंदर जा रही है। magnetic field अंदर जाती हुई दिख रही है आपको, inside the plane, बराबर है। और आपने पढ़ा है और थर्ड डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अगर इनसाइड द प्लेन अगर करंट जा रहा है, मींस इट गोइंग इनसाइड और इनसाइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड साउथ एंड से आती है और नॉर्थ एंड से बाहर निकलती है। अंडरस्टूड? अच्छे से पढ़ लो आप। अच्छे से पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से डिस्कस करेंगे, या आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, तो आपके सामने ऑप्शन रखे हुए, आपको बताना है, और डायग्राम भी है आपके सामने, है ना। डायग्राम तो मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे और आप आंसर दो सकोगे। ओके, तो मुझे लगता है कि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप मुझे टेक्स्ट करिए, है ना, आप मुझे मैसेज करिए, आप कॉल करके भी मुझे बोल सकते हो कि सर इसका आंसर ये है। ओके, सो यू विल सो आपको इसका एक इनाम भी आपको मिल जाएगा, सही है ना। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ऑप्शन चूज करना है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। वहाँ पे एक मिस्टेक है, वहाँ पे मेल्ड दिया है, मैग्नेटिक मेल्ड, वो टाइपिंग मिस्टेक्स है, मेरे साइड से हो चुकी है। सो करेक्टेड, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताने हैं इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, और इसका आंसर भी आपको मुझे मैसेज करना है। ओके, मैंने इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आई होप कि आप आंसर इसका बता पाओगे। ओके, और आपको हिंट देने के लिए मैंने वहाँ पे डायग्राम भी आपको दे दी है। ओके, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को आप उसकी तैयारी करिए और अच्छे से आप उसको पॉइंट आउट करिए। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा, हर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके, कोई भी दिक्कत रही तो आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच।